वडोदरा में जगह जगह लगे हैं ऐसे वाईफाई टावर। सर्च कीजिए वाईफाई ऑन करके VSCDL फ्री वाईफाई। कब से कर रही हूँ कनेक्ट करने की कोशिश, लेकिन कुछ भी नहीं खुल रहा है। आइए जानते हैं वडोदरा के वाईफाई पोल की हकीकत। 2017 में गुजरात के वडोदरा शहर के नागरिकों को मिली थी एक अनोखी भेंट, और वो थी पब्लिक वाईफाई। वडोदरा शहर को 2016 में स्मार्ट सिटी की सूची में शामिल किया गया, और स्मार्ट सिटी की सूची में शामिल होने के बाद अलग अलग प्रोजेक्ट पर काम शुरू किए गए। उसी में से एक प्रोजेक्ट था पब्लिक वाईफाई। डिजिटल इंडिया और स्मार्ट वाईफाई की भेंट वडोदरा शहर के लोगों को देने के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट रखा गया, और वडोदरा शहर में जगह जगह 450 पोल लगाने की योजना बनाई गई। स्मार्ट सिटी के तहत पब्लिक वाईफाई योजना को PPP के तहत शुरू किया गया, और वडोदरा शहर में लगे जगह जगह वाईफाई पोल्स। वाईफाई पोल्स का वादा था कि 30 मिनट तक 50 MB तक का फ्री वाईफाई वडोदरा शहर के लोगों को मिलेगा। मैं फिलहाल खड़ी हूँ अलकापुरी में, जहाँ एक ऐसा ही वाईफाई टावर लगा है, जहाँ वाईफाई फ्री देने का वादा कहकर ये लगाया गया है। वडोदरा शहर में जगह जगह ऐसे टावर आपको ज़रूर देखने मिलेंगे। शायद आपको ये जानकारी हो कि ना भी हो कि ये टावर आखिरकार है किसके, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये टावर है फ्री वाईफाई के लिए। अलकापुरी में वाईफाई टावर लगा है, और ये कितना काम कर रहा है और कैसे काम कर रहा है, ये ज़रूर हम जानने की कोशिश करेंगे। मैं कोशिश करती हूँ कि क्या मैं ये वाईफाई का इस्तेमाल कर पा रही हूँ। अपने मोबाइल फ़ोन में मैं वाईफाई ऑन करती हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि मुझे इस फ्री पब्लिक कॉरपोरेशन द्वारा स्मार्ट सिटी के अंतर्गत लगाए गए वाईफाई का लाभ मिल जाए। वैसे कुछ भी डिटेक्ट नहीं हो पा रहा है, या फिर शायद मुझे यही नहीं पता है कि मैं इसका इस्तेमाल करूं कैसे। शायद वडोदरा शहर के नागरिकों को भी ये नहीं पता है कि वाईफाई का इस्तेमाल करना कैसे है, और इसीलिए शायद वाईफाई का इस्तेमाल वो ना भी कर पाते हो या कर पाते हो। वडोदरा शहर के नागरिकों से ही जानेंगे कि आखिरकार ये वाईफाई उनके लिए कितने फायदेमंद साबित हुए हैं। मैं तो कोशिश कर रही हूँ, वडोदरा शहर के एक नागरिक भी मेरे साथ है, उनसे वो भी कोशिश कर रहे हैं कि क्या इसका कोई फायदा मिल पाता है। आपको पब्लिक वाईफाई की कोई सुविधा आज तक मिली है? नहीं। कोशिश कर रहे हैं, क्या वाईफाई डिटेक्ट हो रहा है? डिटेक्ट हो रहा है, फिर चला जाता है। वडोदरा शहर में जगह जगह ऐसे टावर लगे हैं, कभी आपने इस्तेमाल किया है या कोशिश की है? आपको पता है कि वाईफाई टावर हम इस्तेमाल कर सकते हैं? वाईफाई टावर तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने कोशिश नहीं की। क्या आपको पता है वडोदरा शहर में जगह जगह ऐसे वाईफाई टावर लगे हैं? हाँ, जगह जगह पता है। कभी इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं की? कोशिश नहीं की। क्या आपके लिए, हमारे लिए है? बराबर है, लेकिन मैंने नहीं किया। और आज कोशिश कर रहे हैं तो डिटेक्ट हो रहा है? डिटेक्ट होता है, चला जाता है, फिर नहीं करते कोशिश, ऐसा है। स्पीड कम पड़ रही है। चलिए कुछ और लोगों से भी जानेंगे कि आखिरकार वाईफाई उनके लिए कितना फायदेमंद साबित होता है। अब मैं खड़ी हूँ वडोदरा के सयाजीगंज इलाके में। यहाँ भी वडोदरा शहर के नागरिकों को सुविधा देने के लिए लगाया गया है फ्री वाईफाई का पोल। फ्री वाईफाई यहाँ चलता है कि नहीं देख लेते हैं। मैं कोशिश करती हूँ। सयाजीगंज पर मैं खड़ी हूँ, और MS यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने वडोदरा महानगर पालिका का एक वाईफाई पोल लगा हुआ है, और MS यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट ही मेरे साथ है। क्या नाम है आपका? मुकेश। मुकेश, कभी इस्तेमाल, आपके यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने वाईफाई पोल लगा है, कभी कोशिश की है? क्योंकि इंटरनेट तो हम सबको चाहिए। नहीं, हमने नहीं इस्तेमाल किया। क्यों, आपको पता तो है कि वाईफाई पोल लगे हैं? नहीं, पता ही नहीं है। आपको पता नहीं है कि वाईफाई पोल है? ना ना।
उसके ऊपर लिखा हुआ है कि फ्री वाईफाई यहाँ पर हॉटस्पॉट ऑन करके मिल रहा है। पता ही नहीं है कि यह वाईफाई है। वडोदरा शहर के निवासी हैं, बाहर से आए। कितने साल से पढ़ रहे हैं? 20 साल आए हैं। 20 साल आए हैं, ठीक है। यहाँ आपके मोबाइल में कनेक्ट करिए ना, कोशिश करते हैं कि चल रहा है कि नहीं। आप कहाँ से आए हैं? मैं बाहर से, कच्छ से। कच्छ से, क्या नाम है आपका? उत्तम सतवारा। अच्छा, ठीक है। चलिए मैं बताती हूँ कि हमारे शहर में वाईफाई की फ्री सुविधा मिलती है। वाईफाई ऑन करिए और ये, हाँ ये है, कोशिश कीजिए जी। और अब हम YouTube खोलने की कोशिश करते हैं कि चल रहा है कि नहीं। वाईफाई उनका कनेक्ट हो गया है। वाईफाई कनेक्ट तो हो गया है लेकिन शायद बहुत अच्छी स्पीड नहीं है, ऐसा लग रहा है ना मुकेश? दिखाइए यहाँ। यहाँ वडोदरा महानगर पालिका का वाईफाई कनेक्ट तो हो गया है लेकिन गोल गोल चक्कर घूम रहे, यानी कहीं ना कहीं जो स्पीड है बेसिक वो कम पड़ रही है। कुछ और स्टूडेंट भी कोशिश कर रहे हैं कि वो फ्री वाईफाई का लाभ उठा सके। आप कहाँ से आए? बागोड़िया रोड। यहाँ पढ़ते हैं MS यूनिवर्सिटी में? Yes. पता है आपको कि ऐसा वाईफाई पोल लगा हुआ है? No. नहीं? अच्छा, अभी पता चल गया, अब इस्तेमाल करिए। पर ये खुल रहा है क्या YouTube? नहीं खुल रहा। ना गौतम का चल रहा है, ना संदीप का चल रहा है, ना मुकेश का चल रहा है, ना मेरा चल रहा है। ये वाईफाई किसके लिए चल रहा है उस पर एक बड़ा सवाल या निशान है। सुविधा तो अच्छी है लेकिन काम कर नहीं कर रही है, ये एक बड़ी समस्या है। तो कुछ ऐसी ही है वडोदरा के स्मार्ट सिटी के नाम पर बनाए गए वाईफाई पोल की हकीकत। वडोदरा शहर में जगह जगह जो फ्री वाईफाई पोल लगाए गए हैं वडोदरा के नागरिकों के लिए लगाए गए हैं और आपको भी उस सुविधा का लाभ ज़रूर लेना चाहिए। पोल पर लिखा हुआ ही है VSCDL फ्री SSID। आप ये सर्च करिए वाईफाई में और वाईफाई सुविधा, फ्री वाईफाई सुविधा का लाभ उठाइए, क्योंकि आखिरकार ये खर्च वडोदरा महानगर पालिका ने वडोदरा के नागरिकों के लिए किया है। बात है वडोदरा शहर के नागरिकों को फ्री वाईफाई की सुविधा देने की। सुविधा बहुत उम्दा है। 2016 में स्मार्ट सिटी में ये वडोदरा शहर शामिल हुआ। 2017 से काम शुरू हुए और 2017 में ही 14 अगस्त को खुद गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने इसका उद्घाटन किया था। और जल्द से जल्द 450 पोल लगाने की बात थी। 450 तो अब तक नहीं लगा पाए हैं लेकिन जितने लगे हैं क्या उतने कार्यरत है कि नहीं, उसकी हम पड़ताल कर रहे हैं। अब मैं खड़ी हूँ काला घोड़ा पर पंचमुखी हनुमान मंदिर के सामने, जहाँ भी वडोदरा महानगर पालिका द्वारा फ्री वाईफाई की सुविधा देने की कोशिश की गई है। चलिए फिर एक बार चेक कर लेती हूँ कि क्या ये वाईफाई चल रहा है। वैसे यहाँ लिखा हुआ है प्लीज सिलेक्ट VSCDL फ्री SSID। और जैसे ही मैं वाईफाई ऑन करती हूँ VSCDL फ्री वाईफाई लिखा हुआ आ भी जाता है, यानी यहाँ भी वाईफाई कनेक्ट तो हो रहा है। अब देखने वाली बात है कि ये वाईफाई इस्तेमाल कितना हो पाता है। मैं YouTube पर जा रही हूँ लेकिन यहाँ कुछ नहीं खुल रहा है। अब मैं खड़ी हूँ गुजरात के वडोदरा शहर के नर्मदा भवन में, जहाँ रोज़ाना वडोदरा शहर के और ग्राम्य के हज़ारों लोग आते हैं। नर्मदा भवन से ही सटा हुआ है पुलिस भवन, वहाँ भी 4 से 5 हज़ार पुलिस कर्मचारी काम करते हैं, लोग भी वहाँ आवाजाही करते हैं। यहाँ भी एक ऐसा ही वाईफाई टावर तो लगा हुआ है, उसका कनेक्शन भी मिल रहा है लेकिन इस्तेमाल नहीं हो रहा है। अब ये इस्तेमाल कैसे होता है उसकी जानकारी मैं वडोदरा महानगर पालिका के अधिकारियों से ज़रूर लूँगी। ये पूरी सीरीज़ आपको देखते रहना है क्योंकि वडोदरा शहर में स्मार्ट सिटी के नाम पर जो सुविधा हमें मिली है आखिरकार उसका इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं, ये जानना हम सबके लिए बेहद ज़रूरी है। कल ही इसकी एक और सीरीज़
वीएनएम टीवी पर आपको देखने मिलेगी। और इसके लिए वीएनएम टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए यूट्यूब पर, ताकि वीएनएम का हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। देखते रहिए वीएनएम।